ऑल इंडिया लिनेंस क्लब छतरपुर के द्वारा गांधी आश्रम में महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑल इंडिया लिनेंस क्लब और गांधी आश्रम के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। महिलाओं ने खुले मंच के माध्यम से अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए बताया कि महिलाएं देश में आगे बढ़ रही हैं और आज ऐसा है कि महिलाएं अपने पैरों पर भी खड़ी हुई हैं। इसी दौरान महिलाओं का सम्मान भी किया गया। लिनेंस क्लब से उर्मिला अहरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त बहनों को आमंत्रित किया गया था और उन्हें एक खुला मंच भी प्रदान किया गया, जिसमें सभी बहनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वहीं गांधी आश्रम से दमयंती पाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी आश्रम में अक्सर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और महिलाएं सशक्तिकरण की बात भी हम करते रहते हैं। उनकी बातों में मत आना, वो लाभ तुम्हें समझाएंगे। उनकी बातों में मत आना, तुम बहुत सुंदर लगती हो जब अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो। तुम बहुत सुंदर तब लगती हो जब अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो। तुम बहुत ही सुंदर हो जाती हो जब बिना रुके बिना दबाव के अपनी बात अपने अपनों के सामने रखती हो। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। 8 तारीख को किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, सभी को पता था शिवरात्रि था, बहनें बहुत उपास रहती हैं, इन सब कारणों से ना होने कारण आज रखा है। सभी बहनें शहर की जो है आई हुई हैं यहाँ पर, और बहनें किसी से कम नहीं हैं। एक्चुअली मैं बहनें भी इंसान हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस इंसानी रिश्ते के साथ जिए। और जो आज बहनों को या बेटियों को जो समाज में डर है वो किससे है, किसी न किसी पुरुष से या किसी न किसी बेटे से। तो बेटा भी तो किसी घर ही का है ना, किसी न किसी की माँ का ही है, परिवार का ही है। तो जो डर है हम लोग के बीच में समाज से, वो हम भयमुक्त हो सकें। तो जो शिक्षा हम बहनों को दी जाती है कि बेटा तुम 7 बजे 8 बजे 9 बज गए अब तुम घर आ जाओ, तो मुझे लगता है वो रूल बेटों के लिए भी होना चाहिए। और या तो फिर इक्वलिटी इतनी होनी चाहिए कि दोनों ही अपनी आज़ादी से पढ़ने लिखने जाते हैं तो जीवन को जी सकें। तो कहीं ना कहीं हम शारीरिक रूप से थोड़ा अलगाव है, क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए कुदरत ने ही हमें ऐसा बनाया है, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे। अन्यथा हम तो इंसान ही हैं, सारी इंद्रियां जितनी पुरुषों में हैं उतनी महिलाओं में हैं, जितने पुरुष काम कर सकते उतनी महिलाएं करती हैं। पर हम कोई बराबरी करना किसी से नहीं चाहते हैं, पर एक इंसान के नाते समाज में मिलजुल के रहना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम था जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसके संबंध में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था कि महिलाओं का सम्मान करना, गरीब महिलाओं का, और जो और महिलाएं आई हैं सबको अपने अपने विचार रखने का समय दिया है। इसलिए क्योंकि महिलाएं माइक पर थोड़ा कम बोल पाती हैं, इसलिए हम लोगों ने अपने अपने सब लोग जिसका जो भी विचार हो अपने साझा करें, हमारा यही मेन उद्देश्य था।